बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नाइन्थ क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के 6.7 और 6.8 दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 6.7 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैम पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकंड्स। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। एक आदमी है जो कि ब्लॉक को जो है वो खींच रहा है और उस पर फोर्स कितनी लगा रहा है, 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है और 60 सेकेंड के अंदर जो है वो ब्लॉक जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लोगों ने बताना कि उस आदमी की कितनी पावर है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, हमें गिवन डेटा कि हमें फोर्स गिवन है एफ इज इक्वल टू 300 न्यूटन और जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो हमें दिया गया है 50 मीटर और जो टाइम है वो है 60 सेकंड्स। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट पावर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लिख लेते हैं पावर का। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम एज इट इज़। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, फोर्स डिस्टेंस टाइम तीनों चीज़ें हमें गिवन है। तो ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं, पुट करते हैं 300 इंटू टाइम डिस्टेंस जो है वो 50 है, डिवाइडेड बाय टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम जो है वो हमारा 60 है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 250 वाट। पावर का यूनिट जो है वो वाट है, इसलिए हम लोग सामने यूनिट मेंशन करेंगे वाट। तो हमारा 6.7 जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग 6.8 जो है वो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देते हैं हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है। तो 6.8 की स्टेटमेंट है, अ 50 किलोग्राम मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। फाइंड हिज पावर इफ़ ही स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाइट। एक आदमी है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और जो है वो कितने स्टेप्स कवर करता है, वो 20 सेकेंड्स में जो है वो 25 स्टेप्स जो है वो मूव करता है। तो एक स्टेप की जो हाइट है वो हमें 16 सेंटीमीटर दे के हम लोगों ने बताना है कि उस आदमी की कितनी पावर है। तो हमें पहले ये टोटल यहाँ से उसने मूव किया तो ये स्टेप्स मूव कर रहा, ऊपर जा रहा है, तो हमें ये टोटल हाइट फाइंड आउट करनी होगी और हम लोगों ने पावर फाइंड आउट करनी। तो हमें गिवन डेल्टा क्या, पहले हम लोग डेल्टा लिख लेते हैं। मैथ जो है वो 50 किलोग्राम है और नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो है वो हमें बताएंगे है, नंबर ऑफ स्टेप्स 25 और हाइट ऑफ स्टेप वो है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो उससे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.16 मीटर। तो हाइट जो है वो हमारी आ गई 0.16 मीटर हाइट ऑफ स्टेप। और हमें टाइम गिवन है, टाइम जो है वो हमारा कितना है, टाइम है हमारा 20 सेकेंड्स। तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने पावर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट फाइंड आउट हम लोगों ने क्या करना है, पावर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। तो फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू जो है वो हमारा वर्क है तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी और एच सामने आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एच जो है वो हाइट है। या आप इस तरह से कह सकते हैं, आप लोग का अगर सिंपल इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरह कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफ क्या होता है, एम जी होता है, एम जी और डिस्टेंस जो है वो हाइट आ जाएगी डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। तो ये हमारी पावर का फार्मूला आ गया। इसमें हमारे पास मैस और जी गिवन है, मैस भी है, जी की वैल्यू फिक्स है टाइम पे, लेके हमारे पास हाइट नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम लोगों को हाइट फाइंड आउट करनी होगी, टोटल हाइट। टोटल हाइट
टोटल हाइट पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल हाइट कैसे आएगी? टोटल हाइट होगी नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ स्टेप, हाइट ऑफ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 25 है, हाइट जो है वो 0.16 है। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो हाइट आती है वो आती है 4 मीटर हमारी हाइट आ गई टोटल हाइट। अब हम लोग जो है वो पावर का फार्मूला ये यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो पावर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो P इज इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई पर टाइम, मास जो है वो हमारा है 50 और G की वैल्यू फिक्स है 10, हाइट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की है 4 और जो हमारा टाइम गिवन है वो हमारा है 20 सेकेंड्स। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 2 to the 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है इसलिए सामने यूनिट मेंशन कर देंगे। तो 6.7 और 6.8 दोनों न्यूमेरिकल से हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।